करेक्टर सतीश कुमार एस और पुलिस अधीक्षक शैलन सिंह चौहान ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव द्वितीय चरण झंडे व मटेर क्षेत्र में होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर, इस बार हमारे यहाँ का जो चुनाव है वो काफी चैलेंजिंग है। इसमें कितना पुलिस बल इस बार लगाया जा रहा है? देखिए, इस बार काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। इसमें हम लोगों ने पिछली बार की तुलना में जो सेक्टर मोबाइल है वो करीब 1,250 से ऊपर सेक्टर मोबाइल लगाई है। पुलिस सारी पुलिस मोबाइल लगाते हैं। उसके साथ साथ बाहर से भी हमें करीब 200 किया गया। उसके साथ साथ जिले में जो पुलिस वाले उसका पूरे बल का कवर कर सके उसके लिए सेक्टर मोबाइल, क्लस्टर मोबाइल, सुपरवाइजरी मोबाइल, क्यूआरटी, वार्ड मोबाइल, ये सब हम लोगों ने उसको बनाई है ताकि कहीं पे भी कोई अगर सूचना मिलती है, इनके अगर घटनी घटनी होती है, कुछ होता है, कुछ करते हैं घटने की आशंका होती है तो तत्काल भारी संख्या में पुलिस पर मौके पर पहुँच कर वहाँ पर जो भी गड़बड़ी करता है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेगी। जैसे पिछली बार देखा गया था कनाई कपुरा में पुलिस पर पथराव हुआ, आसनेट में भी हालात ठीक नहीं थे, तो क्या इसके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग जो पिछली बार इस तरह की जगह हुई थी तो अचानक इस तरह की परिस्थिति बनी, तो इस बार उसको देखते हुए हम लोगों ने जो संबंधित अधिकारी वगैरह हैं वो परिस्थिति को बेहतर तरीके से निपटा है ये भी बताया है, और साथ में जो उनके साथ कोर्ट डिप्लॉय रहता है उनके भी हम लोगों ने जिक्र की है और वीडियोग्राफी और उनके माध्यम से जो जिन लोगों ने इस तरह की एक्टर की थी उनको चिन्हित करके हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। इसी तरह से जिन्होंने पिछली बार चुनाव बाधित किए थे उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई की गई है। उनका वसूली के साथ साथ उनके विरुद्ध 122 की कार्रवाई करके सभी को जेल भेजा गया है। माउंट ओवर राज्य में उनकी वसूली की गई है। उसके अलावा पिछली बार अगर कोई इस तरह की करता है तो निश्चित तौर पर इससे भी कठोर कार्रवाई होकर मदद की जाए। सुरक्षा बल सभी जगह के लिए प्लानिंग कर लिए गए हैं। हमने 3 स्तर पर सुरक्षा और सेक्टर ऑफिसर का व्यवस्था किया गया है। पोलिंग पार्टीज हैं, पोलिंग पार्टीज प्रत्येक 10 पोलिंग बूथ के ऊपर सेक्टर ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं और उस सेक्टर ऑफिसर्स के ऊपर क्लस्टर मजिस्ट्रेट्स भी हमने व्यवस्था किया गया है, जिसमें सभी SDM पूरा जिला का SDM तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को भी उसमें हमने लगाया गया है। और उसके ऊपर मैं और SP साहब और ADM एंड अडिशनल SP और SDM एंड SDO तो ये भी एक उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में हम लोग तैनात हो जाएंगे। और इसके साथ में प्रत्येक पोलिंग लोकेशन में वीडियोग्राफर का व्यवस्था किया गया है ताकि वो वीडियोग्राफर लोगों को पहचान सके। दूसरा, इस बार 8 ड्रोन कैमरा यूज कर रहे हैं, अलग अलग संवेदनशील एरियाज में ड्रोन कैमरा के माध्यम से समीक्षा किया जाएगा। दूसरा, CCTV कैमरा 30 जगहों में 30 प्रमेसेस में CCTV कैमरा का व्यवस्था किया गया है और सभी लोग को ब्रीफिंग कराया गया है और मतलब शांतिपूर्वक मतदान हेतु सारी व्यवस्था अभी तैयार है। प्रोग्राम में जो रिकॉल हुई उसके बाद एक्शन लिया गया और रिकवरी कराई गई आरोपियों पे, क्या ये प्रोसेस आगे भी जारी रहेगी? इससे और कठोर रूप में हम कार्रवाई करने में तैयार है। आगे में अगर होगा तो इससे दुगुना के कार्रवाई होंगे, अगर इसे सोचा भी हो तो इससे दुगुना कार्रवाई की जाए। प्रदेश में ये पहली या पहली कार्रवाई के बाद हम साथों साथ हमने दूसरा कार्रवाई देखो। अल्टीमेटली ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें अगर कोई किसी ने कोई भी बदमाशी किया, ठीक है, ये बिल्कुल साइन नहीं किया जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई करने में हम सब लोग करते हैं। सेवेंटी 75% पोलिंग बूथ है वो अति संवेदनशील
भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।